पिछले बार रेजन हॉपर के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के बारे में चर्चा की गई, आज कोजर के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। कोजर के वर्ग संघर्ष का सिद्धांत क्या है और यह किस तरह से समाज को प्रभावित करता है? कोजर के वर्ग संघर्ष सिद्धांत में दो तरह की बातें सामने आई है, पहला यथार्थवादी और दूसरा अयथार्थवादी। यथार्थवादी में दो व्यक्ति अलग अलग पार्टी से चुनाव में खड़े होते हैं और अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष करते हैं, इसे ही यथार्थवादी संघर्ष कहते हैं। इसमें अपने अपने उद्देश्य की रक्षा करते हैं, दूसरे को हानि नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन अयथार्थवादी संघर्ष में ऐसा नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति भाजपा से खड़ा होता है या दूसरे अन्य पार्टी से खड़ा होता है तो दूसरा विरोधी तत्व यह सोचता है कि मैं जीतूं या हारूं फर्क नहीं पड़ता है। वह सोचता है कि किसी तरह से उसकी हार हो और इस तरह से दूसरे को हानि पहुंचाने की कोशिश करता है, इसे ही अयथार्थवादी संघर्ष कहते हैं। दूसरा उदाहरण दिया जा सकता है कि कोई कर्मचारी अपनी मांग व्यवस्थापक से रखता है और उनकी मांग पूरी हो जाती है, जिससे उसकी हितों की रक्षा होती है, इसे यथार्थवादी संघर्ष कहते हैं। दूसरा उदाहरण अयथार्थवादी के लिए, जैसे पूंजीपति वर्ग और श्रमिकों के बीच श्रमिक हड़ताल कर पूंजीपति वर्ग को नुकसान पहुंचाता है, इसे अयथार्थवादी संघर्ष कहते हैं। इस तरह से समाज में संघर्ष चलते रहता है, यही कोजर का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कहलाता है। धन्यवाद।